राधे राधे आप सभी को। अब देखो, अब तक हमने सेक्शन 173 के बारे में काफी कुछ पढ़ा है ना, और इसके साथ साथ हमने सेक्शन 173 के क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 7 तक सभी क्लॉज डिस्कस कर लिए। अब चलिए, अब हम इस वीडियो सेशन में सेक्शन 173 का क्लॉज 8 डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्लॉज 8 को डिस्कस करने से पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके? सवाल ये है कि क्या एक बार सेक्शन 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद अगर पुलिस ऑफिसर को उस केस में कोई नए एविडेंसेस मिलते हैं, कोई नई लीड मिलती है, तो क्या पुलिस ऑफिसर उस मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है? भाई मान के चलिए केस में पुलिस ऑफिसर ने पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी, 173 क्लॉज 2 के अंदर पुलिस ऑफिसर ने पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी। अब पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद पुलिस ऑफिसर को उस केस से रिलेटेड कुछ नए एविडेंसेस मिले, कुछ नई लीड्स मिली विद रिस्पेक्ट टू इनोसेंस और गिल्ट ऑफ द एक्यूज। तो अब सवाल यह है कि क्या पुलिस ऑफिसर मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है? तो देखो जी, क्लॉज 8 जो है वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर है, ठीक है? तो देखो जी, पहले क्या होता था 1970s के टाइम में, कुछ हाई कोर्ट का ये मानना था कि एक बार यदि पुलिस ऑफिसर 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर देता है और मजिस्ट्रेट उस केस में डिसाइड कर लेता है कि उसे कॉग्निस लेना है या नहीं लेना, तो अब जो पुलिस ऑफिसर है वो फंक्शनलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? फंक्शनलेस, यानी अब उसके पास उस मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की और जांच पड़ताल करने की पावर नहीं होती थी, ठीक है? तो एक बार रीड करते हैं इसको। सम हाई कोर्ट्स वर ऑफ द व्यू दैट विद द सबमिशन ऑफ अ चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 द पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस कम्स टू एन एंड एंड द मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस स्टार्टेड। कुछ हाईकोर्ट का यह मानना था कि 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेट करने की पावर है वो खत्म हो जाती है और जो मजिस्ट्रेट की पावर है कॉग्निजेंस लेने की या नहीं लेने की वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? यानी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पुलिस ऑफिसर के हाथ बन जाते थे, वो मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता था। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल, इन स्टेट वर्सेज मेहर सिंह एंड अदर्स 1974, अ फुल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हेल्ड दैट पुलिस बिकेम फंक्शंस ऑफिशियो। That means police became functionless once the court took cognizance on an offence on filing of charge sheet by the police, and thereafter further investigation by the police was not permissible. ठीक है? लेकिन 1973 में नए CRPC के आ जाने के बाद इस time honored principle को पूरी तरीके से upset कर दिया, ठीक है? ये जो principle चला आ रहा था इसको ओवररूल कर दिया। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 173 का जो क्लॉज 8 है वो पुराने CRPC में नहीं था, यानी 1898 का जो CRPC था उसमें नहीं था, लेकिन इसको 1973 के CRPC में ऐड किया गया था, ठीक है? 41st लॉ कमीशन की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पर इस क्लॉज को ऐड किया गया था ताकि 1898 के लकिनों को क्योर किया जा सके, ठीक है? सेक्शन 173 क्लॉज 8, इट वॉज एडेड इन 1973 CRPC। इन ओल्ड CRPC ऑफ 1898 इट वॉज नॉट देयर, इट वॉज एडेड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट 1969, ओके? तो देखो, पहले क्या होता था जी, जब एक बार पुलिस ऑफिसर सेक्शन 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट फाइल कर देता था तो फ्रेश फैक्ट्स के लाइट में आने पर भी, केस से रिलेटेड एडिशनल एविडेंसेस मिलने पर भी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो पुलिस ऑफिसर को मैटर में फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनेबल करता हो, ठीक है? तो ये हमारे सिस्टम में बहुत बड़ा लूपहोल था। क्यों? क्योंकि देखो, जुडिशरी का काम क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना है ना, और जस्टिस किस पर डिपेंड करता है? फेयर ट्रायल पर। और फेयर ट्रायल कब हो पाएगा? जब फेयर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई हो,
ठीक है। और आप खुद एक बात सोचिए, अगर एक बार पुलिस ऑफिसर 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसकी नजर में कोई नए फैक्ट्स आते हैं, उसको कोई नए एविडेंसेस मिलते हैं, तो क्या उसे मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? भाई द न्यू एविडेंसेस कैन ईदर बी सपोर्टिंग द एक्यूज और इट कैन बी अगेंस्ट द एक्यूज। एडिशनल एविडेंसेस कैन आइदर बी इन द फेवर ऑफ एक्यूज और कैन बी इन अपोज ऑफ एक्यूज। अब आप खुद सोचिए, जब पुलिस ऑफिसर 173 क्लॉज 2 में एक बार पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद एडिशनल एविडेंसेस मिलने पर, नई लीड मिलने पर मैटर को इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पा रहा, तो फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो गया भाई? इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट ही नहीं हो पाई, इन्वेस्टिगेशन तो इनकम्प्लीट रह गई, है ना? बात समझ में आ रही है? और जब फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो फेयर ट्रायल भी नहीं हुआ, और जब फेयर ट्रायल नहीं हुआ तो क्या उस केस में जज साहब जस्टिस प्रोवाइड कर पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, है ना भाई? आप खुद सोचिए, अगर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पुलिस ऑफिसर को केस में एडिशनल एविडेंसेस मिलते हैं, तो जस्ट बिकॉज उसने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी, अब वो उन एविडेंसेस को डस्टबिन में डाल दे, क्या उसे बैठे रहना चाहिए? क्या उसे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? भाई जुडिशियल ऑफिसर के तहत छोड़िए, आप एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन के हिसाब से सोचिए, आप एक लेमैन के अकॉर्डिंग सोचिए। भाई आप एक चीज समझो, अगर उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में पुलिस ऑफिसर को कोई नई लीड मिलती है या कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई नया एविडेंस पुलिस ऑफिसर के हाथ लगता है विद रिस्पेक्ट टू इनोसेंस और गिल्ट ऑफ द एक्यूज, तो क्या पुलिस ऑफिसर को बैठे रहना चाहिए? आप खुद बताइए, आप एक लेमैन की तरह ही सोचिए, अगर पुलिस ऑफिसर को पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद एडिशनल एविडेंसेज मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज विद रिस्पेक्ट टू हिज को एक्यूज, तो क्या उसे केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या उसे ये कह देना चाहिए कि भैया मेरा काम तो 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने का था और वो मैंने कर दिया, अब केस में चाहे नए एविडेंसेस मिले, चाहे किसी और पर्सन के अगेंस्ट एविडेंसेस मिले, चाहे एक्यूज के सपोर्ट में एविडेंसेस मिले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा काम तो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने का था और वो मैंने कर दिया है, क्या उसे ऐसा कहना चाहिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि देखो पुलिस ऑफिसर का रोल क्या है, ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना बल्कि फेयर एंड कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करना, ताकि केस का फेयर ट्रायल हो सके और जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो पुराने सीआरपीसी से इस डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए लॉ कमीशन ने 41 रिपोर्ट में सेक्शन 173 में क्लॉज 8 को ऐड करने के साथ ये रीजन स्टेट किया कि यदि सेक्शन 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद पुलिस ऑफिसर के सामने उस केस से रिलेटेड फ्रेश फैक्ट सामने आते हैं, कोई नए एविडेंसेस मिलते हैं या कोई नई लीड मिलती है विद रेस्पेक्ट टू द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज, तो पुलिस ऑफिसर के पास मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की पावर होनी चाहिए, एडिशनल एविडेंसेस सबमिट करने की पावर होनी चाहिए, ताकि केस में फेयर ट्रायल हो सके और एग्री पार्टी को जस्टिस दिया जा सके। ओके, क्लियर? तो एक बार रीडिंग लेते हैं इसकी। रीजन फॉर द एडिशन, सेक्शन 173 क्लॉज 8 को ऐड करने का क्या रीजन है, एक बार देख लेते हैं इसको। इन द 1898 कोड देयर वाज नो प्रोविजन प्रिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द पुलिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन व्हेन फ्रेश फैक्ट्स केम इनटू लाइट अपॉन द सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट। द रीजन सजेस्टेड बाय द लॉ कमीशन वॉज दैट इवन आफ्टर फाइलिंग द पुलिस रिपोर्ट द पुलिस ऑफिसर मे कम अक्रॉस न्यू एविडेंसेज विद रिस्पेक्ट टू द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज and therefore he shall be allowed to further investigate and submit the additional evidences in order to further the ends of justice. Okay? और अगर आप ध्यान से देखो, number of investigation into a crime is not limited by law. And when one investigation has been completed and police report has been filed, another investigation may be begun on further information received. यानी एक क्राइम में कितनी नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लॉ ने ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं कर रखा। और एक बार इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो दूसरी इन्वेस्टिगेशन बिगिन की जा सकती है, ठीक है।
तो इसलिए अगर पुलिस ऑफिसर को केस में कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, नई लीड मिलती है, तो उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ओके अब चलिए अब हम क्लॉज 8 को रीड करते हैं। क्या कहता है क्लॉज 8? नथिंग इन दिस सेक्शन। तो क्लॉज 8 कहां से स्टार्ट हो रहा है? वर्ड नथिंग से। ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर अ रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट एंड वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री ही शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अ फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2-6 शैल एज फार एज मे बी अप्लाई इन रिलेशन टू सच रिपोर्ट और रिपोर्ट्स एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर सबसेक्शन 2। तो क्या कहा जी क्लॉज 8 ने? चलिए मेरे की लैंग्वेज को तोड़ तोड़ के समझते हैं। तो क्लॉज 8 किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? नथिंग से। नथिंग इन दिस सेक्शन, तो दैट मींस क्लॉज 8 इज अ सेविंग क्लॉज। ओके तो रीड करते हैं। इस सेक्शन में चाहे कुछ भी दे रखा है वो उस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में फर्दर इन्वेस्टिगेशन को प्रीक्लूड नहीं करेगा जिसको लेकर पुलिस ऑफिसर ने 173 क्लॉज 2 में मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी है। दैट मींस पुलिस ऑफिसर 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, टू प्रीक्लूड मींस टू स्टॉप और टू प्रिवेंट। तो इस पूरे सेक्शन में चाहे कुछ भी दे रखा है वो किसको प्रीक्लूड या किसको स्टॉप नहीं करेगा? फर्दर इन्वेस्टिगेशन को। किस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में? जिस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 173 क्लॉज 2 में मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी है। क्लियर? अब आगे रीड करते हैं जी। एंड वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन। सच इन्वेस्टिगेशन मींस, सच इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है यहां पर? फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एंड वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इट मींस SHO ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री, तो वो क्या करेगा? ही शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अ फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सच एविडेंस इन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड। तो यदि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में SHO को फर्दर एविडेंस मिलते हैं, फिर चाहे वो एविडेंसेस ओरल हो या वो डॉक्यूमेंट्री हो, तो वो क्या करेगा? वो मजिस्ट्रेट को फर्दर रिपोर्ट या फिर फर्दर रिपोर्ट्स फॉरवर्ड कर देगा उन एविडेंसेस के रिगार्ड में जो उसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट किए। ठीक है, बेसिकली फर्दर एविडेंस के रिगार्ड में पुलिस ऑफिसर फर्दर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। किस मैनर में? उस मैनर में फॉरवर्ड कर देगा जिस मैनर में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो टर्म रिगार्डिंग सच एविडेंस मींस, सच एविडेंस का मतलब यहां पर क्या है? किसकी बात हो रही है यहां पर? फर्दर एविडेंस की। ठीक है, फर्दर एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर आगे इन्होंने क्या कहा? एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2-6 शैल एज फार एज मे बी जहां तक संभव हो सके अप्लाई इन रिलेशन टू सच रिपोर्ट और रिपोर्ट्स एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर सबसेक्शन 2। तो क्या कहा? और क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 के सभी प्रोविजंस उस फर्दर रिपोर्ट या उस फर्दर रिपोर्ट्स पर एप्लीकेबल होंगे जैसे कि वो ओरिजिनल रिपोर्ट या अर्लियर रिपोर्ट
जो सेक्शन 173 क्लॉज 2 में सबमिट की गई थी उस पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 226 शैल एज फार एज मे बी अप्लाई इन रिलेशन टू सच रिपोर्ट और रिपोर्ट्स। तो वर्ड सच रिपोर्ट का क्या मतलब है यहां पर? सच रिपोर्ट मींस फर्दर रिपोर्ट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, फर्दर एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो क्लॉज 2 से क्लॉज 6 के सभी प्रोविजंस उस फर्दर रिपोर्ट पर ऐसे ही अप्लाई होंगे जैसे कि वो उस रिपोर्ट पर अप्लाई होते जो कि 173 क्लॉज 2 में सबमिट की गई थी। दैट मींस जैसे वो अर्लियर रिपोर्ट पर या फिर ओरिजिनल पुलिस रिपोर्ट पर अप्लाई होते। ठीक है, क्लियर। और देखो याद रखना, इसी फर्दर रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? एडिशनल रिपोर्ट या फिर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट। ठीक है, एडिशनल चलान, सप्लीमेंट्री चलान, फर्दर रिपोर्ट, ये सब एक ही बात है। ऑलराइट, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन को हम एडिशनल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं या फिर सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है जी? एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद सेक्शन 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है उसे ही हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। भाई देखो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन नाम से ही पता लग रहा है, फर्दर मींस विच इज बीइंग कंटिन्यूड। भाई फर्दर का मतलब क्या होता है? विच इज बीइंग कंटिन्यूड, है ना। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन मींस इन्वेस्टिगेशन विच इज बीइंग डन फर्दर, इन्वेस्टिगेशन विच इज बीइंग डन फर्दर। तो अगर आप डायग्रामेटिक बेसिस को समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज करो पुलिस ऑफिसर ने यहां इन्वेस्टिगेशन चालू करी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस ऑफिसर ने 173 क्लॉज 2 में यहां पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद की गई जो इन्वेस्टिगेशन है, दिस इज कॉल्ड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन विच इज डन बाय द पुलिस ऑफिसर आफ्टर सबमिटिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 इज कॉल्ड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ओके, और अब इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीशन के बाद पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट सबमिट करेगा दैट विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री चार्जशीट। ओके, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट। क्लियर। तो वापस आते हैं अपने डायग्राम की तरफ, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसके रेस्पेक्ट में होती है? विद रेस्पेक्ट टू गिल्ट और इनोसेंस ऑफ एक्यूज। एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी ईदर विद रेस्पेक्ट टू सेम एक्यूज और विद रेस्पेक्ट टू न्यू एक्यूज। ठीक है, तो आप याद रखना कि रमा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2009 सुप्रीम कोर्ट, रमा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2009 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में यह हल किया गया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8 मींस सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन और एडिशनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्लियर। और अब मैं आपसे पूछूं कि फर्दर रिपोर्ट क्या होती है?
तो क्या बताएंगे आप कि एक बार सेक्शन 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके फर्दर एविडेंसेस कलेक्ट करके दोबारा से 173 क्लॉज 2 में जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है उसे ही हम फर्दर रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, फर्दर रिपोर्ट, एडिशनल रिपोर्ट और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट। ओके, तो आई गेस अब आपको क्लॉज 8 क्लियर हो गया होगा। क्लॉज 8 की बेरेक की लैंग्वेज, फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, फर्दर रिपोर्ट क्या होती है, इन दोनों को किन किन नामों से जाना जाता है, क्लॉज 8 को ऐड करने के पीछे क्या रीजन था, ये सारी मोटी मोटी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम इस टॉपिक की रीडिंग कर लेते हैं एक बार। इन विनय त्यागी वर्सेस शाद अली 2013 सुप्रीम कोर्ट, इट वॉज हेल्ड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी मेड इन अ सिचुएशन वेयर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑब्टेन्स फर्दर ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आफ्टर द फाइनल रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। तो विनय त्यागी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जी कि एक बार 173 क्लॉज 2 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के बाद अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उस केस से रिलेटेड फर्दर एविडेंसेस मिलते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर एविडेंसेस, फर्दर रिपोर्ट। ठीक है, कहां पे? अंडर द सेम क्लॉज 173 क्लॉज 2। ठीक है, तो एक बात और याद रखना कि फर्दर रिपोर्ट भी सेक्शन 173 क्लॉज 2 में ही फाइल की जाती है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि फर्दर रिपोर्ट जो है 173 क्लॉज 8 में फाइल की जाती है, नहीं, फर्दर रिपोर्ट भी 173 क्लॉज 2 में ही फाइल की जाती है। क्यों? क्योंकि देखो लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि फर्दर रिपोर्ट क्या है तो बेसिकली पुलिस रिपोर्ट ही है ना भाई, है तो वो पुलिस रिपोर्ट ही, बस अंतर क्या है कि वो एक बार पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद नए एविडेंसेस मिलने पर वो फिर से फाइल की जा रही है ना, तो भाई है तो वो बेसिकली पुलिस रिपोर्ट ही, और पुलिस रिपोर्ट कहां फाइल की जाती है 173 क्लॉज 2 में, तो इसलिए फर्दर रिपोर्ट भी 173 क्लॉज 2 में ही फाइल की जाती है। ओके, अब आगे देखते हैं। क्लॉज 8 स्टार्ट्स विद द वर्ड्स नथिंग इन दिस सेक्शन। ठीक है, जिसका क्या मतलब है, विच मींस दैट एनीथिंग प्रोवाइडेड इन द अबव क्लॉजेस ऑफ दिस सेक्शन विल नॉट अफेक्ट द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू कंटिन्यू विद द इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर द फाइलिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट अंडर क्लॉज 2। दैट इज, इट सेव द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू फर्दर इन्वेस्टिगेट द मैटर डिस्पाइट हैविंग फाइल्ड द पुलिस रिपोर्ट। ओके, तो टर्म नथिंग इन दिस सेक्शन का क्या मतलब है जी, कि सेक्शन के ऊपर के क्लॉजेस में यानी क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 7 में जो भी कुछ दे रखा है वो पुलिस ऑफिसर की पावर को इफेक्ट नहीं करेगा विद रेस्पेक्ट टू कंटिन्यू विद द इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर द फाइलिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट अंडर क्लॉज 2। दैट मींस ये पुलिस ऑफिसर की पावर को सेव करता है कि वो 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बावजूद मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्लियर, तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका। क्लॉज 8 फॉर द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई जी। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी गई जी 173 क्लॉज 2 में, तो इसका मतलब अब जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो कहां फॉल करेगी, पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद, इट मींस यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक क्या फॉल करेगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और यहां से यहां तक इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कभी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस एएस पीटर ऑब्जर्व दैट कैरिंग आउट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इज अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ पुलिस एंड पुलिस हैज राइट टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन व्हेन फ्रेश इंफॉर्मेशन कम्स इनटू लाइट।
तो क्या कहा जी? आंध्र प्रदेश वर्सेस एएस पीटर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि चार्जशीट फाइल करने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना पुलिस ऑफिसर का स्टैट्यूटरी राइट है। मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर के इस स्टैट्यूटरी राइट में अननेसेसरी इंटरवीन नहीं करना चाहिए। और जब फ्रेश इंफॉर्मेशन लाइट में आती है या फ्रेश फैक्ट्स लाइट में आते हैं तो पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, तो लैंडमार्क केस है क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बताया हुआ है कि कैरिंग आउट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो वर्ड फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या डिपिक्ट कर रहा है कि एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट फाइल की जा चुकी है, तो कैरिंग आउट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ पुलिस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन? फर्दर इन्वेस्टिगेशन का क्या पर्पस है? The purpose of further investigation is to bring the true facts before the court so as to bring justice in the case, even if they are discovered at a subsequent stage to the primary investigation. तो क्या बताया? Further investigation का क्या purpose है? कि true facts को court के सामने लाया जाए ताकि case में justice दिया जा सके। फिर बेशक से वो facts subsequent stage पर ही discover हुए हो, यानी primary investigation conduct करने के बाद ही discover हुए। It is commonly described as supplementary report as a subsequent investigation is meant and intended to supplement the primary investigation conducted by the police officer. Generally, further investigation conduct करने के बाद जो further report police officer file करता है उसे हम supplementary report कहते हैं। Supplementary report क्यों कहते हैं जी? क्या reason है इसके पीछे का? As the subsequent investigation is meant and intended to supplement the primary investigation conducted by the police officer. रीजन बीइंग जो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन है, सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ यहां पर कि जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन है यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कर रही है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा की गई प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन को या अर्लियर इन्वेस्टिगेशन को सप्लीमेंट करती है, यानी उसे पूरा करती है। इसलिए हम फर्दर रिपोर्ट को सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी कहते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन को सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे रीड करते हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन एंड डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ वाइपिंग आउट द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। तो क्या कहा जी? फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन की कॉन्टिन्यूएशन है और जो पुलिस ऑफिसर ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की थी फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसे वाइप आउट नहीं करती है, उसे डिस्कार्ड नहीं करती है। ठीक है, तो याद रखना कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन। भाई सिंपल सी बात है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है? पुलिस ऑफिसर ने एक बार इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर ली, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद उसने पीआर फाइल कर दी। अब पीआर फाइल करने के बाद उसे कुछ केस में एडिशनल एविडेंसेस मिले या नई लीड मिली, फिर उसने क्या करा? फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उसने क्या करा? फर्दर रिपोर्ट या एडिशनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है? बेसिकली है क्या ये? इस अर्लियर इन्वेस्टिगेशन की तो कंटिन्यूएशन है। आसन में आ रही है भाई? जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ने कंडक्ट की थी ये उसी की तो कंटिन्यूएशन है। ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन अर्लियर इन्वेस्टिगेशन को डिस्कार्ड थोड़ा ना करती है। एक बार डायग्राम से देख लेते हैं इसको। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है जी? फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अर्लियर इन्वेस्टिगेशन, है ना? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अर्लियर इन्वेस्टिगेशन। तो डेट मीन्स पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी, यहां पुलिस रिपोर्ट फाइल करी, तो अब ये क्या है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। डेट मीन्स सेम इन्वेस्टिगेशन इज continued here, continuation of earlier investigation, or same investigation is continued here. Okay, clear?
चलिए आगे रीड करते हैं. एनी एविडेंसेज गैदर्ड अपॉन सर्च फर्दर इन्वेस्टिगेशन शैल बी एडेड टू द ओरिजिनल चार्जशीट इन द फॉर्म ऑफ अ सप्लीमेंट्री चार्जशीट. फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं उन सभी एविडेंसेस को ओरिजिनल चार्जशीट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के तौर पर एड कर दिया जाएगा. ओके अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करिए. पुलिस ऑफिसर कितनी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सबमिट कर सकता है? क्या इसको लेकर कोई लिमिट है? क्या ऐसा कुछ दे रखा है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो एक रिपोर्ट या दो रिपोर्ट या तीन रिपोर्ट ही सबमिट कर सकता है? तो आंसर इज नो. पुलिस ऑफिसर कैन सबमिट एनी नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री रिपोर्ट. ओके, इसको हमने जस्ट 10-15 मिनट पहले ही डिस्कस किया हुआ है. हमने वहां पढ़ा था ना, द नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम इज नॉट लिमिटेड बाय लॉ एंड दैट वन इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड अनदर मे बी बिगन ऑन फर्दर इंफॉर्मेशन रिसीव. ओके अच्छा, एक बात बताइए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज तक कंडक्ट की जा सकती है? भाई जनरली तीन स्टेजेस होती हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, है ना. तो सवाल यह है कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो किस स्टेज तक कंटिन्यू की जा सकती है? तो याद रखना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर इवन आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस्ड और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल. ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है कि ट्रायल के शुरू होने के बाद ही पुलिस ऑफिसर जो है फर्दर इन्वेस्टिगेट ही करे जा रहा है, उसे उस मैटर से रिलेटेड नए एविडेंसेस ही मिले जा रहे हैं, है ना. तो ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है, क्योंकि देखो ट्रायल की स्टेज तक आते आते ही ऑलरेडी किसी भी केस को मिनिमम से मिनिमम भी 3 से 4 साल लग जाते हैं. तो आई गेस ये जो 3-4 साल का जो पीरियड है, इतना टाइम बहुत है, बहुत नहीं बल्कि मोर देन सफिशियंट है. सर इतने टाइम में पुलिस ऑफिसर छोड़िए, लेमन भी इन्वेस्टिगेट कर लेगा, इवन आप भी 3-4 साल के अंदर किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर लोगे, है ना. तो ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है कि ट्रायल के स्टेज के दौरान भी जो पुलिस ऑफिसर है वो मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट ही किया जा रहा है, उसे इस केस से रिलेटेड नए एविडेंसेस ही मिले जा रहे हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ओनली. तो आई गेस केस से रिलेटेड जितनी भी एडिशनल एविडेंसेस हैं, जितनी भी नई लीड हैं, वो 2-3 साल के अंदर अंदर मिल जाती हैं. ये 2-3 साल तो छोड़िए, वो शुरू के 6-7 महीने के अंदर ही अंदर पता लग जाता है. पुलिस ऑफिसर का काम ही यही है. ठीक है, वो एक्यूज को अरेस्ट करके ही बता देते हैं कि क्या इसने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है. ठीक है, तो जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या जितनी भी नए फैक्ट्स लाइट में आने होते हैं वो शुरू में ही आ जाते हैं. तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन, नए एविडेंसेस मिलने पर, नए फैक्ट्स लाइट में आने पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये शुरू में ही पूरी हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिकली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही ऐसा होता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ट्रायल की पेंडेंसी के दौरान की जा रही है. ओके, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड इवन आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस्ड और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल. दिस वॉज हेल्ड इन जे प्रभावती अम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2008 एंड ऑल्सो इन मरियम्मा जॉन वर्सेस डीएसपी 2019. स्पेलिंग सही कर लेना इसकी, मरियम्मा है, एम ए आर आई, एम ए आर आई ए डबल एम ए. अच्छा एक बात बताइए, पुलिस ऑफिसर ने ओरिजिनल रिपोर्ट में या अर्लियर रिपोर्ट में जो उसने सेक्शन 173 क्लॉज 2 में सबसे पहले फाइल की थी उसमें बताया कि भैया इस पर्टिकुलर ऑफेंस को ए बी सी इन तीनों ने मिलकर कमिट किया है. ठीक है, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर को इस केस से रिलेटेड नई लीड मिली या पुलिस ऑफिसर के सामने उस केस से रिलेटेड नए फैक्ट सामने आए, तो उसने उस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की और फर्दर एविडेंसेस ऑब्टेन किए, और फर्दर एविडेंसेस ऑब्टेन करने के बाद उसने
फर्दर रिपोर्ट में या सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में ये स्टेट किया कि भैया इस पर्टिकुलर ऑफेंस को एबीसी ने नहीं बल्कि सी डी ई इन तीनों ने मिलकर कमिट किया है। तो क्या पुलिस ऑफिसर ऐसा कर सकता है? आंसर इज यस। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, वो कोर्ट के आगे वही फैक्ट्स तो रखेगा जो उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा, जो सब्सटेंसेस, जो मटेरियल उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जिस कंक्लूजन पर वो पहुंचा उसी के अकॉर्डिंगली तो वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा, वो अपनी प्रीवियस रिपोर्ट से कोई बाउंड थोड़े ना है। तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द फर्दर एविडेंसेस, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेश फैक्ट्स दैट केम इनटू लाइट, पुलिस ऑफिसर कैन डू सो, ही कैन फाइल पुलिस रिपोर्ट अगेंस्ट सी डी एंड ई। ओके, अच्छा आप एक बात और याद रखना कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं, बेसिकली आप लोग जज साहब जो हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, इन सब का ऑर्डर तो पास कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को रोकने का ऑर्डर कभी भी जुडिशरी पास नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जुडिशरी मस्ट नॉट इंटरवीन अननेसेसरी इन द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक्सेप्ट सेक्शन। कोई एक्सेप्शन है इसकी? बताइए जी साहब। वेरी गुड, 167 क्लॉज 5। ठीक है, तो सेक्शन 173 क्लॉज 8 क्या एनेबल करता है? इनेबल्स द पुलिस ऑफिसर टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड टू फाइल फर्दर रिपोर्ट। ओके, अब चलिए एक बार सबकी रीडिंग लेते हैं फटाफट। ड्यूरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज इज पावर टू ऑब्टेन फर्दर एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री, बी टू फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अ फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर है कि वो फर्दर एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकता है, चाहे वो ओरल हो या वो डॉक्यूमेंट्री हो, और वो मजिस्ट्रेट के आगे फर्दर एविडेंसेस के रिस्पेक्ट में फर्दर रिपोर्ट या फर्दर रिपोर्ट्स फॉरवर्ड कर सकता है। किस मैनर में? इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 टू सबसेक्शन 6 शैल एज फार एज मे बी अप्लाई इन रिलेशन टू सच फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स। और क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 के सभी प्रोविजन फर्दर रिपोर्ट या फर्दर रिपोर्ट्स पर उसी तरह अप्लाई होंगे जैसे कि वो ओरिजिनल रिपोर्ट पर अप्लाई होते हैं। तो आगे क्या बोलता है? क्लॉज 8 प्रोवाइड्स फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर द फाइलिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट अंडर क्लॉज 2। द अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड सेक्शन 173(8) इज दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाइंड्स एडिशनल एविडेंस एज टू द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड, इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू अलाउ सच ऑफिसर टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड टू सेंड सप्लीमेंट्री रिपोर्ट टू कंसर्न मजिस्ट्रेट। अ सबसिक्वेंट चार्जशीट कुड नॉट बी सबमिटेड विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर एंड विदाउट ऑब्टेनिंग फर्दर एविडेंस। ठीक है, तो वही बात है जो अभी हम सारी डिस्कस करके आ चुके हैं। बस याद रखना कि जो सबसिक्वेंट चार्जशीट है यानी बेसिकली फर्दर रिपोर्ट कुड नॉट बी सबमिटेड विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस एंड विदाउट ऑब्टेनिंग फर्दर एविडेंस। तो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट कैन बी फाइल्ड ओनली व्हेन पुलिस ऑफिसर हैज फर्दर इन्वेस्टिगेटेड द मैटर प्लस ही हैज कलेक्टेड सम फर्दर एविडेंसेस ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कलेक्टेड इन द कोर्स ऑफ सच फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल बी सबमिटेड एज एडिशनल पीआर ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उनको कैसे सबमिट किया जाएगा? एडिशनल पुलिस रिपोर्ट के तौर पर। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड टू द मजिस्ट्रेट नॉट विद स्टैंडिंग दैट ही हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन द पुलिस रिपोर्ट सबमिटेड अंडर क्लॉज 2। सेक्शन 173 क्लॉज 2 में एक बार पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उस पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस लेने के बाद भी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट की जा सकती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या सप्लीमेंट्री रिपोर्ट उन मटेरियल्स को लेकर भी सबमिट की जा सकती है जिनको पुलिस ऑफिसर ने प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन के टाइम ही ऑब्टेन कर लिया था? भाई मान लो
पुलिस ऑफिसर ने अर्लियर इन्वेस्टिगेशन में ही किसी पर्टिकुलर एविडेंस को ऑब्टेन कर लिया, बट उस पुलिस ऑफिसर ने अर्लियर पुलिस रिपोर्ट में उस एविडेंस का जिक्र नहीं किया। अब उसने क्या किया, उसी पर्टिकुलर एविडेंस को जो उसने अपनी अर्लियर रिपोर्ट में फाइल नहीं किया था सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में फाइल कर दिया। तो क्वेश्चन यह है कि क्या सप्लीमेंट्री रिपोर्ट उन मेटेरियल्स को लेकर सबमिट की जा सकती है जिनको पुलिस ऑफिसर ने प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन के टाइम ही ऑब्टेन कर लिया था? कोई बताएगा, एनीवन? तो आंसर इज नो। ओके, यदि एक बार 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है तो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तब तक सबमिट नहीं की जा सकती जब तक पुलिस ऑफिसर उस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके फर्दर एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर लेता। ठीक है, यही पढ़ा था ना अभी हमने कि सब्सिक्वेंट चार्जशीट कुड नॉट बी सबमिटेड विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस एंड विदाउट ऑब्टेनिंग फर्दर एविडेंस। तो वर्ड फर्दर एविडेंस का क्या मतलब है यहां पर? नए एविडेंसेस या एडिशनल एविडेंसेस जो पुलिस ऑफिसर को अर्लियर इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिली थी। क्लियर? तो एक बार रीड कर लेते हैं इसको। सप्लीमेंट्री चार्जशीट कैन बी सबमिटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सच मटेरियल्स व्हिच कुड नॉट कम टू द नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग अर्लियर इन्वेस्टिगेशन। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मींस ड्यूरिंग अर्लियर इन्वेस्टिगेशन। वंस अ रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2, अ सप्लीमेंट्री रिपोर्ट कुड नॉट बी सबमिटेड विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस एंड विदाउट ऑब्टेनिंग फर्दर एविडेंस इन द केस। तो कंडीशन क्या है सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को सबमिट करने की? फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्लस फर्दर एविडेंसेस। ओके, अच्छा चलिए एक बात बताइए, यदि पुलिस ऑफिसर केस में एक्यूज के अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देता है, अब उसे उस केस में कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, तो क्या वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है? वैसे तो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि हम इस पॉइंट को केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे इसलिए मैं ये क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूं। यदि पुलिस ऑफिसर केस में एक्यूज के अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देता है, अब उसे उस केस में कुछ नए फैक्ट्स मिलते हैं, कोई नए एविडेंसेस मिलते हैं, तो क्या वो मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है? तो आंसर इज यस। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने रामलाल लारंग वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में ये हेल्प किया, द राइट ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट फर्दर इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय सबमिशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 सीआरपीसी। मेरली बिकॉज पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ही कैन डू सो। पुलिस इज राइट टू फर्दर इन्वेस्टिगेट व्हेन फ्रेश इन्फॉर्मेशन कम्स इनटू लाइट एंड सप्लीमेंट्री रिपोर्ट्स कैन बी सबमिटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू द मजिस्ट्रेट इन स्पाइट ऑफ दिस दैट द मजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड अर्लियर। तो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन की लाइट में आने पर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को सबमिट कर सकता है, बावजूद इसके कि मजिस्ट्रेट ने अर्लियर पुलिस ऑफिसर की क्लोजर रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले लिया था। ठीक है, क्लियर? तो ऐसा मत समझना कि पहले पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी और मजिस्ट्रेट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो अब पुलिस ऑफिसर फ्रेश फैक्ट की लाइट में आने पर उस एक्यूज के अगेंस्ट एडिशनल चलान या सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकता। नहीं, ही कैन डू सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड अर्लियर। ओके, अब आगे चलते हैं। हसन भाई कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, इवन आफ्टर कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अर्लियर रिपोर्ट सबमिटेड बाय पुलिस इट इज ओपन टू पुलिस टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन अ प्रॉपर मैनर। तो हसन भाई कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि बावजूद इसके पुलिस ऑफिसर की अर्लियर रिपोर्ट पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, पुलिस ऑफिसर मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर पुलिस ऑफिसर को उस केस से रिलेटेड फर्दर एविडेंसेस मिलते हैं या उस केस से रिलेटेड
फ्रेश फैक्ट लाइट में आते हैं। ओके अब आगे चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर करिए, पुलिस ऑफिसर ने केस में इन्वेस्टिगेशन करके 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पुलिस ऑफिसर को उस केस में एक्यूज के इनोसेंस या गिल्ट को लेकर कोई नए एविडेंस मिलते हैं, कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है। अब पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर रहा है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसका यह मानना है कि अगर उसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया तो केस का ट्रायल डिले हो जाएगा। एंड ही पर्सनली बिलीव्स दैट कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सो देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो आप मुझे बताइए, क्या आप पुलिस ऑफिसर की इस ओपिनियन से सहमत हो? पुलिस ऑफिसर मैटर को केवल इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा क्योंकि उसका मानना यह है कि अगर वो मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा तो केस का ट्रायल जो है वो डिले हो जाएगा। एंड ही इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सो देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो क्या आप पुलिस ऑफिसर की इस ओपिनियन से सहमत हो? क्या आपको लगता है कि उसका यह सोचना सही है? चलिए बताइए, चलिए सोचिए, थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करिए। तो अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हमारा कंसर्न केस में जस्टिस देने से होता है, और जस्टिस जो है वो किस पर डिपेंड करता है? फेयर ट्रायल पर। और फेयर ट्रायल किस पर डिपेंड करता है? फेयर एंड कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन पर। तो भैया यदि केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन ही कंडक्ट नहीं होगी तो फेयर ट्रायल कैसे होगा, और जब फेयर ट्रायल ही नहीं होगा तो जस्टिस कैसे मिलेगा, है ना? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हसन भाई के केस में ये हेल्ड किया, हसन भाई कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी रूल आउट मेयरली बिकॉज इट मे डिले ट्रायल। ओके याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये मेंस के लिए। आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जा सकता है कि पुलिस ऑफिसर मैटर को केवल इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो ट्रायल है वो डिले हो जाएगा। तो बताइए ऐसी सिचुएशन में बीइंग अ मजिस्ट्रेट आप क्या करोगे? ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो देख लेना आप इसको एक बार। अब आगे चलते हैं। अच्छा आप लोग मेरे को एक बात बताइए, क्या मजिस्ट्रेट फर्दर रिपोर्ट से एग्री करने के लिए, एडिशनल रिपोर्ट से एग्री करने के लिए बाउंड है? बताइए भाई। सेक्शन 173 के लेक्चर के शुरुआत में हमने पढ़ा कि जो मजिस्ट्रेट है वो कभी भी पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट से बाउंड नहीं होता। तो आप मुझे बताइए कि क्या मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर की फर्दर रिपोर्ट से बाउंड होता है? वेरी गुड, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि फर्दर रिपोर्ट भी क्या है? फर्दर रिपोर्ट भी तो पुलिस रिपोर्ट ही है, है ना? सो ऑन द सेम प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस ऑफिसर की फर्दर रिपोर्ट से बाउंड नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब मेरी एक बात समझिए आप। क्लॉज 8 में लिखा है कि पुलिस ऑफिसर मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है, है ना? तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या पुलिस ऑफिसर सुओ मोटो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या फिर केवल और केवल मजिस्ट्रेट के कहने पर ही वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है? भाई देखो, ये चीज पूरे सेक्शन में कहीं नहीं लिखी कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ऑफिसर सुओ मोटो करेगा या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर करेगा। आप खुद बताइए 173 क्लॉज 8 में कहीं भी ये लिखा है कि पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन सुओ मोटो करेगा, या पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन केवल मजिस्ट्रेट परमिशन से ही करेगा? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर 173 क्लॉज 8 हमें एम्बिग्यूटी में डाल देता है ना? तो देखो, विनू भाई के केस में दो मेटेरियल इश्यूज अराइज हुए, लैंडमार्क केस है और रिसेंट केस है, विनू भाई केस 2019 सुप्रीम कोर्ट।
विनू भाई के केस में दो इश्यूज अराइज हुए, कौन कौन से? इश्यू नंबर वन इज वेदर द पुलिस ऑफिसर सबमिटिंग चार्जशीट अंडर क्लॉज टू नीड्स टू टेक परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू फर्दर इन्वेस्टिगेशन. कैन ही फर्दर इन्वेस्टिगेट विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट? तो पहला इश्यू क्या है जी कि 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद क्या पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन ऑब्टेन करनी जरूरी है? क्या वो बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है? और दूसरा इश्यू क्या है जी, कैन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ए आफ्टर कॉग्निजेंस दैट इज पोस्ट कॉग्निजेंस, बी इफ सो देन एट व्हाट स्टेज? क्या मजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आफ्टर कॉग्निजेंस भी दे सकता है? इफ यस देन एट व्हाट स्टेज? तो ये दो मेटेरियल इशू विनू भाई के केस में अराइज, ठीक है. तो चलिए पहले हम इशू नंबर वन को डील करते हैं. तो देखो भाई, कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? 156 से, है ना. सेक्शन 156 क्लॉज 1 में क्लियरली ये दिया हुआ है कि कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर पर से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. तो इसका मतलब उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है वो भी 156 क्लॉज 1 से ही मिल रही है. बात समझ में आई भाई? जब 156 क्लॉज 1 में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन की पावर मिल रही है तो इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि 156 क्लॉज 1 से ही उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर भी मिल रही है. 156 क्लॉज 1 से ही वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर भी ड्राइव कर रहा है. दैट मींस वो 156 क्लॉज 1 के तहत बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, ठीक है. तो ये तो हो गई जी कॉग्निजेबल केस की बात. अब बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की. तो लाइकवाइज नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन की पावर कहां से ड्राइव करता है? सेक्शन 155 क्लॉज 2 से. तो सेक्शन 155 क्लॉज 2 में जब पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट से परमिशन ऑब्टेन करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है तो ये इंप्लाइड है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है. जब एक बार उसने मजिस्ट्रेट से परमिशन ऑब्टेन करके मैटर को इन्वेस्टिगेट कर लिया तो अब उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोबारा मजिस्ट्रेट से परमिशन ऑब्टेन करने की कोई जरूरत नहीं है. 155 क्लॉज 2 से ही वो मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर ड्राइव कर रहा है, ठीक है. तो दिस वॉज हेल्ड इन तारा सिंह वर्सेज स्टेट 1957. तो देखो सेक्शन 173 क्लॉज 8 एक्सप्रेसली इंप्लाइडली कहीं भी ये डिक्लेयर नहीं करता कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने से पहले पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट से परमिशन ऑब्टेन करनी चाहिए. लेकिन आप लोग याद रखना, एक्चुअल प्रैक्टिस में पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन ऑब्टेन करनी होती है. प्रैक्टिकली पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन ऑब्टेन करनी होती है, उसे एक बार इंटीमेट करना होता है. क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है, ठीक है. यानी काफी सालों से यही प्रैक्टिस चली आ रही है, काफी सालों से प्रैक्टिकली कोर्ट में यही सिस्टम चला आ रहा है. बट ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है. ध्यान रखना, ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है. किसी भी लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन ऑब्टेन करनी ही होगी. रेदर इट इज अ मैटर ऑफ विजडम, प्रूडेंस एंड प्रोप्राइटी. क्योंकि देखो, चूंकि जो केस है वो मजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस में ही है, अल्टीमेटली उसे ही इस केस को डिटरमाइन करना है, इसलिए उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन को लेकर मजिस्ट्रेट से परमिशन ऑब्टेन करनी होती है, ठीक है. तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं. Since the police officer derives his power to investigate into a cognizable case per se from section 156 clause 1,
ही ड्राइव इज पावर टू फर्दर इन्वेस्टिगेट ऑल्सो फ्रॉम सेक्शन 156 क्लॉज 1 ओनली. देयरफॉर इट इज इंप्लाइड दैट देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट. दस पावर टू कंटिन्यू फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इनहेरेंट इन द पीओ बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 156 क्लॉज. हेल्ड इन तारा सिंह वर्सेस स्टेट 1957 एंड सुरेश चंद्र जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1984 सुप्रीम कोर्ट. ओके, सेक्शन 173(8) नोवेयर रिक्वायर्स एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली दैट द पुलिस ऑफिसर शुड ऑब्टेन द सेट परमिशन. हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस द सेट पुलिस ऑफिसर डस ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट बिकॉज इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस. बट दिस इज नॉट एज अ मैटर ऑफ लॉ, रेदर इट इज एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, विजडम और प्रोप्राइटी. Since the case is within the cognizance of the magistrate, he should be made aware regarding any further proceedings. ठीक है? तो इन सभी केसेस में तारा सिंह वर्सेस स्टेट, सुरेश चंद्र जैन वर्सेस यूपी, रामलाल नारंग वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा, रणधीर सिंह राणा वर्सेस स्टेट, विनय त्यागी वर्सेस असाद अली, इन सभी केसेस में ये हेल्ड किया गया डेट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन द ऑब्टेनिंग ऑफ परमिशन बाय द पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज मस्ट एज इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस. सो इट इज डिजायरेबल दैट पुलिस ऑफिसर शुड इन्फॉर्म द कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड सीक इट्स फॉर्मल परमिशन. क्लियर हुआ? तो अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, तो आपको इसका एक डिप्लोमेटिक आंसर देना है. ठीक है? आप ऐसा मत करना कि सीधा लिख दो कि नो ही कैन नॉट डू सो, ही हैज टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट इन ऑर्डर टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसा आप मत लिखना. आपको कुछ इस तरीके से अपना आंसर देना होगा कि यस ही कैन डू सो एज देयर इज नो लीगल प्रोविजन इन एनी लॉ व्हिच मैंडेट्स पुलिस ऑफिसर टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट इन ऑर्डर टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. बट एज अ मैटर ऑफ कर्टसी पुलिस ऑफिसर हैज टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस. दिस वॉज हेल्ड इन तारा सिंह वर्सेस स्टेट, सुरेश चंद्र जैन वर्सेस यूपी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, कुछ इस तरीके से डिप्लोमेटिकली आपको अपने आंसर को लिख के आना है. ओके, अब चलिए आगे चलते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सेक्शन 173 क्लॉज 8 नहीं होता तो क्या पुलिस ऑफिसर के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल था? बताइए. अगर 173 क्लॉज 8 नहीं होता तो क्या पुलिस ऑफिसर के लिए मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पॉसिबल था? तो आंसर इज यस. कॉग्निजेबल केसेस में 156 क्लॉज 1 में और नॉन कॉग्निजेबल के केस में 155 क्लॉज 2 में पुलिस ऑफिसर मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता था. ठीक है? तो देखो, एज पर लॉ परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट इज नॉट रिक्वायर्ड सेक्शन 173 क्लॉज 8 इनेबल्स पुलिस ऑफिसर टू फर्दर इन्वेस्टिगेट द मैटर. एंड सेक्शन 156 क्लॉज 1 156 क्लॉज 1 में पुलिस ऑफिसर हैज पर से पावर टू फर्दर इन्वेस्टिगेट. ओके, तो आई गेस आपको पहला इश्यू क्लियर हो गया होगा. क्या पुलिस ऑफिसर को मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने से पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन ऑब्टेन करनी होती है? तो ये इश्यू हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ कमिंग ऑन टू सेकंड इश्यू. अब सेकंड इश्यू क्या है उसको देख लेते हैं एक बार. तो देखो, सेकंड इश्यू को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक बार बेस देख लेते हैं. ठीक है? तो देखो, पहले क्या होता था, पहले हम देवरपल्ली के जजमेंट को फॉलो करते थे. किसकी जजमेंट को? देवरपल्ली के जजमेंट को. देवरपल्ली लक्ष्मी रेड्डी एंड अदर्स वर्सेस नारायण रेड्डी.
1976 सुप्रीम कोर्ट। तो देखो पहले हम देवरपल्ली की जजमेंट को फॉलो करते थे। देवरपल्ली के केस में क्या हेल्प किया गया था जी, कि 156 क्लॉज 3 की जो पावर है उस पावर को मजिस्ट्रेट केवल और केवल कॉग्निजेंस लेने से पहले ही एक्सरसाइज कर सकता है। 156 क्लॉज 3 की जो पावर है वो मजिस्ट्रेट बिफोर कॉग्निजेंस ही एक्सरसाइज कर सकता है, यानी 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर केवल कॉग्निजेंस लेने से पहले ही कर सकता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता। तो 156 क्लॉज 3 वाज अ प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर एंड नॉट पोस्ट कॉग्निजेंस। एक बार यदि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता था देन ही कैन नॉट ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। ठीक है, तो शुरू से हम यही जजमेंट को फॉलो करते आ रहे थे, देवरपल्ली के जजमेंट को शुरू से हम यही रूल फॉलो करते आ रहे थे। एंड दिस वाज आल्सो रिपीटेड इन भगवंत सिंह केस, भगवंत सिंह वर्सेस कमीशन ऑफ पुलिस 1985 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी यही बात रिपीट की गई। तो 2019 तक हम यही प्रिंसिपल फॉलो करते हुए आ रहे थे, हम इसी लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू मैटर्स को डील करते हुए आ रहे थे। लेकिन रिसेंटली 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विनुभाई हीराबाई के केस में इस टाइम ऑनर्ड प्रिंसिपल को अपसेट करते हुए यह हेल्ड किया कि देवरपल्ली लक्ष्मी रेड्डी का जो ऑर्डर है वो इरेनियस ऑर्डर है और 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने विनुभाई के केस में देवरपल्ली की जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। कोर्ट ने रूल किया 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट प्री कॉग्निजेंस एंड पोस्ट कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस लेने से पहले और कॉग्निजेंस लेने के बाद किसी भी स्टेज पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। उन्होंने कहा कि भैया सेक्शन 173 में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, कोर्ट ने हेल्ड किया कि 156 क्लॉज 3, 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। अब सवाल यह उठा, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किस स्टेज तक पास कर सकता है? तो देखो विनू भाई के केस में ही यह हेल्ड किया, ट्रायल के शुरू होने से पहले तक 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, अंटिल द ट्रायल कमेंसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन पास ऑर्डर फॉर द इन्वेस्टिगेशन आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। यानी अगर एक बार केस का ट्रायल शुरू हो गया तो मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता। क्लियर, तो डेट मींस अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया पर अभी केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया प्लस केस का ट्रायल भी शुरू हो गया तो अब मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। विनुभाई हीराबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच जस्टिस आर एफ नरीमन। लैंडमार्क केस है, रीसेंट केस है और इतने सालों से चले आ रहा है जो रूल था उस रूल को इस पर्टिकुलर केस ने ओवर रूल कर दिया था। तो इसलिए इस केस के रिगार्डिंग मैंने सारी चीजें मेंशन करी है। विनुभाई हीराबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच का ये डिसीजन है और इस जजमेंट को किसने दिया था, जस्टिस आर एफ नरीमन ने। ठीक है,
तो अगर मेंस में रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको भी इसी तरीके से इस पूरे केस लॉ को डिस्क्राइब करके आना है। ओके, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड मजिस्ट्रेट हैज पावर टू ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस इवन एट पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज अंटिल द ट्रायल कमेंसेस और टिल द इनिशिएशन ऑफ ट्रायल। क्लियर? तो आई गेस सेकेंड इश्यू भी आपको क्लियर हो गया होगा। कैन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर कॉग्निजेंस और पोस्ट कॉग्निजेंस? आंसर इज यस। इफ सो देन एट व्हाट स्टेज? कहां तक? अंटिल द ट्रायल कमेंसेस। ठीक है, हालांकि देखो विनू भाई के जजमेंट को लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया था और इसको क्रिटिसाइज करने के पीछे जो मेन रीजन था वो ये था कि भाई जो देवरपल्ली जजमेंट जिसको इस जजमेंट ने ओवररूल किया है वो जजमेंट भी तीन जज बेंच की ही जजमेंट थी। देवरपल्ली जजमेंट भी थ्री जज बेंच की ही जजमेंट थी। तो लोगों का कहना यह था कि एक तीन जज बेंच की जजमेंट दूसरी तीन जज बेंच की जजमेंट को कैसे ओवररूल कर सकती है? हाउ कैन ए थ्री जज बेंच जजमेंट ओवररूल अनदर थ्री जज बेंच जजमेंट? बात समझ में आ रही है? तो इस कारण से लोगों ने विनू भाई के जजमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया था। एनीवेज अब तो हम विनू भाई के जजमेंट को ही फॉलो कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो विनू भाई की जजमेंट है ये कब तक हम फॉलो कर पाते हैं। जहां तक मुझे लगता है इस केस पर सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी और इसके बाद फिर इस इश्यू को फाइनली डिटरमाइन किया जाएगा। ऑलराइट, और अगर विनू भाई की जजमेंट ओवररूल हो जाती है तो वापस देवरपल्ली की जो जजमेंट है वो इफेक्ट में आ जाएगी। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेट्स वेट एंड वॉच सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर इश्यू को किस तरीके से डिसाइड करती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब सवाल यह उठता है कि क्या कोर्ट पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन देते समय एक्यूज को सुनने के लिए बाउंड है? क्या कोर्ट पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन देते समय एक्यूज को सुनने के लिए बाउंड है? तो आंसर इज नो। कोर्ट पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन देते समय एक्यूज को सुनने के लिए बाउंड नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड केस देख लेते हैं एक बार। सतीश कुमार नियालचंद शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2020 सुप्रीम कोर्ट, रीसेंट केस है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिटेटेड दैट कोर्ट इज नॉट ऑब्लाइज टू हियर द एक्यूज बिफोर एनी डायरेक्शन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज मेड अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, क्लॉज 8 में जो टर्म एविडेंस यूज हुआ है फर्दर एविडेंस दैट कैन बी ओरल और डॉक्यूमेंट्री, यही टर्म यूज हुआ है ना? तो क्लॉज 8 में ये जो टर्म एविडेंस यूज हुआ है ये कौन सा एविडेंस है जी? क्या ये वो एविडेंस है जो पुलिस ऑफिसर को मैटर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के टाइम मिला है, या फिर ये वो एविडेंस है जो ट्रायल के दौरान विटनेस कोर्ट में आके देता है? भाई ट्रायल के दौरान जो विटनेस कोर्ट में आके स्टेटमेंट देता है, जो बयान देता है, उसे भी हम एविडेंस ही कहते हैं, है ना? तो क्या ये जो टर्म एविडेंस है ये यहां वो एविडेंस है जो ट्रायल के दौरान विटनेस ने कोर्ट में आके दिया है, या फिर ये वो एविडेंस है जो पुलिस ऑफिसर को मैटर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का टाइम मिला? तो कौन सा एविडेंस है जी? तो आंसर इज टर्म एविडेंस मींस जो एविडेंस पुलिस ऑफिसर को मैटर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिला। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं इसको एक बार। द वर्ड एविडेंस इन सेक्शन 173 क्लॉज 8 डिनोट्स एडिशनल मटेरियल कलेक्टेड इनटू द क्राइम रिगार्डिंग विच चार्जशीट हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड इन द कोर्ट एंड नॉट द एविडेंस रिकॉर्डेड बिफोर द कोर्ट। ओके, दिस वॉज हेल्ड इन सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006। क्लियर? और ये जो एडिशनल मटेरियल है, ये जो फर्दर मटेरियल है, ये क्या करता है? दिस फर्दर मटेरियल कंफर्म्स द कॉम्प्लिसिटी ऑफ एक्यूज और अदरवाइज। ओके, या तो ये फर्दर मटेरियल एक्यूज का उस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट शो करता है या नहीं शो करता है। क्लियर?
या पता नहीं कहाँ से मेरे रूम में एक छिपकली एंटर कर गई है, और वो कंटिन्यूसली वो अपनी जो वाइब्रेटिंग साउंड है ना, ये जो आप पीछे से सुन रहे होंगे इस समय, ये निकालती रहती है। पता नहीं यार इसका क्या करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने अपने रूम में इतनी सारी मोर पंखी भी लगा रखी है, बट आई डोंट नो कब जाएगी ये। हो सकता है शायद ये भी जुडिशरी की तैयारी कर रही हो। एनीवेज जोक्स अपार्ट, अच्छा चलिए अब आप एक बात बताइए, क्या मजिस्ट्रेट 173 क्लॉज 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है? क्या मजिस्ट्रेट सेक्शन 173 क्लॉज 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है? भाई देखो सेक्शन 173 8 की जो लैंग्वेज है ये एक ओपन लैंग्वेज है ना, तो क्लॉज 8 एक्सप्रेसली इस चीज को डिक्लेयर कर रहा है कि जेएम फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है, ना ही क्लॉज 8 इस चीज को एक्सप्रेसली प्रोहिबिट कर रहा है। इस चीज को लेकर सेक्शन 173 क्लॉज 8 जो है वो साइलेंट है ना। तो चलिए इस चीज को एक बार डिस्कस करते हैं। इन सेक्शन 173 क्लॉज 8 इट इज रिटन नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रीक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इट इज नॉट क्लैरिफाइड इन दिस पार्ट ऑफ सेक्शन एज टू वेदर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी अपॉन द मजिस्ट्रेट ऑर्डर और द पीओस डिस्क्रिशन सुओ मोटो, बट इट अपीयर्स दैट इट अप्लाइज अपॉन बोथ। तो क्या कहा सेक्शन की लैंग्वेज क्या है कि सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं रखा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन को प्रिवेंट करता हो। क्लॉज 8 में कहीं भी ये मेंशन नहीं कर रखा कि क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर होना चाहिए या फिर पुलिस ऑफिसर सुओ मोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, लेकिन यह अपीयर होता है कि ये दोनों पर ही अप्लाई होता है। इफ सेक्शन 173 क्लॉज 8 इज रेड विद सेक्शन 156 क्लॉज 1 और 155 क्लॉज 2 देन इट क्लियरली रिलेट्स टू द पुलिस ऑफिसर पर से पावर टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एंड इफ सेक्शन 173 क्लॉज 8 इज रेड विद सेक्शन 156 क्लॉज 3 और सेक्शन 155 क्लॉज 2 विद रिस्पेक्ट टू द मजिस्ट्रेट्स पावर then it will be implicit in section 173-8 that the magistrate can also order further investigation under section 173 clause 8। ठीक है तो क्या कहा इन्होंने, समराइज करते हैं इसको। 173 clause 8 क्लियरली ये मेंशन नहीं करता whether it is police officer per se power to investigate or judicial magistrate can pass the order of further investigation, but when read with section 156 clause 1 and 155 clause 2 ye police officer ki power show karta hai, and if read with 155 clause 2 एंड 156 क्लॉज 3 ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर शो करता है। यानी अगर 173 क्लॉज 8 को हम सेक्शन 156 क्लॉज 1 और 155 क्लॉज 2 के साथ पढ़ेंगे तो पुलिस ऑफिसर सुओ मोटो मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन वही बात है याद रखना एज अ मैटर ऑफ कर्टसी एज अ मैटर ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन ऑब्टेन करता है। और यदि 173 क्लॉज 8 को 155 क्लॉज 2 और 156 क्लॉज 3 के साथ पढ़ा जाएगा तो ये क्या शो करता है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर को शो करता है। ठीक है तो दैट मींस जो पावर है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की वो कहां से आ रही है, पावर इज कमिंग फ्रॉम सेक्शन 155 क्लॉज 2 सेक्शन 156 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 156 क्लॉज 3। 173-8 केवल और केवल एक डिक्लेरेशन है। ठीक है तो याद रखना सेक्शन 173-8 में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है, हालांकि प्रैक्टिकली जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 156 क्लॉज 3 में ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करता है।
करता है. ओके, सो वी कैन कंक्लूड दैट सेक्शन 173(8) स्टेट्स द पावर ऑफ द पुलिस टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. बट नाउ दिस पावर हैज बीन इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड पावर ऑफ द कोर्ट ऑल्सो. दैट मीन्स कोर्ट कैन ऑल्सो ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8. ओके, सो प्रेजेंट व्यू इज पावर ऑफ कोर्ट टू एक्सरसाइज फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज पावर ऑफ कोर्ट टू एक्सरसाइज फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3. इट कैन बी ईदर प्री कॉग्निजेंस और पोस्ट कॉग्निजेंस. एंड पावर ऑफ कोर्ट टू एक्सरसाइज फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8 विच इज पोस्ट कॉग्निजेंस. यहां तक क्लियर? अब पुलिस ऑफिसर की पावर देखते हैं. पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. अब पुलिस ऑफिसर के पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर कहां कहां से आ रही है? 156 क्लॉज 1 से एंड 173 क्लॉज 8 से. ओके, तो देख लेना आप इसको एक बार. ऑलराइट, तो देखो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर रहा है सेक्शन 173 क्लॉज 8 में, लेकिन इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर पुलिस ऑफिसर के पास कहां से आई? 156 क्लॉज 1 से और 155 क्लॉज 2 से. ठीक है, अब एक बार रीड कर लेते हैं इसको. इन सुरेश चंद जैन केस इट वॉज हेल्ड पावर टू कंटिन्यू फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इनहेरेंट इन द पीओ बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 156 क्लॉज 1. ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जो पावर है वो पुलिस ऑफिसर के पास 156 क्लॉज 1 में इनहेरेंट है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी स्टेट्स दैट अ मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन, सच मजिस्ट्रेट मे ऑल्सो ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब सेक्शन 156 क्लॉज 3 ये स्टेट करता है कि जो मजिस्ट्रेट 190 में एम्पावर्ड है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, तो वो जो मजिस्ट्रेट है वो 173 8 में भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है. ठीक है, बट वही बात है, प्रैक्टिकली जो मजिस्ट्रेट है वो 156 क्लॉज 3 में ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करता है. फिर आगे उन्होंने क्या बताया, मोर ओवर इफ अ पुलिस ऑफिसर कैन फर्दर इन्वेस्टिगेट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू कलेक्ट मोर एविडेंसेस देन डज इट ऑल्सो नॉट सजेस्ट दैट मजिस्ट्रेट हैव सिमिलर पावर. भाई जब सेक्शन 173 8 में पुलिस ऑफिसर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, तो क्या ये सजेस्ट नहीं करता कि मजिस्ट्रेट के पास भी सिमिलर पावर है? यानी मजिस्ट्रेट भी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस 173 क्लॉज 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है. पसंद में आ रही है ना? 173 क्लॉज 8 नोवेयर एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर द मजिस्ट्रेट पावर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, रेदर इट इंप्लाइडली इनेबल्स द पुलिस ऑफिसर्स टू फर्दर इन्वेस्टिगेट. But in the interest of justice, it is implied that the magistrate also can be inquisitive and can order further investigation. तो क्या बताया? 173 क्लॉज 8 कहीं भी expressly provide नहीं करता है कि जो magistrate है वो further investigation का order pass कर सकता है. Rather, ये impliedly police officer को enable करता है कि वो further investigation conduct कर सकता है. लेकिन justice को ध्यान में रखते हुए ये implied है कि जो magistrate है वो curious हो सकता है और further investigation का order pass कर सकता है. ठीक है, इंक्विजिटिव मींस क्यूरियस, जिज्ञासु. ओके, सो वी कैन कंक्लूड दैट सेक्शन 173(8) स्टेट्स द पावर ऑफ द पुलिस टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. बट नाउ दिस पावर हैज बीन इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड पावर ऑफ द कोर्ट ऑल्सो. दैट मींस कोर्ट कैन ऑल्सो ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8. ओके, तो विनू भाई के केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑर्डर बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 एज वेल एज अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8. ठीक है, क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या मजिस्ट्रेट
सेक्शन 173 क्लॉज 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। तो आपको इसके सपोर्ट में ये दो तीन पैराग्राफ मेंशन करके आने, ओके? एक तो आप यहां से यहां तक मेंशन कर देना, इफ सेक्शन 173 क्लॉज 8 इज रेड विद 156 क्लॉज 3 और 155 क्लॉज 2 यहां से, ठीक है। उसके बाद आप ये पूरी की पूरी स्लाइड मेंशन कर देना, ठीक है, छोटे छोटे से दो तीन पैराग्राफ हैं, और कंक्लूजन में आप ये मेंशन कर देना, ठीक है। तो देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर भी विनू भाई के जजमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। लोगों ने बोला कि भैया जब मजिस्ट्रेट ऑलरेडी 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है, तो भैया विनू भाई के केस में 173 क्लॉज 8 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की पावर देने की क्या जरूरत थी, ओके? तो विनू भाई के केस से रिलेटेड हमने सारे के सारे मेटेरियल इश्यू डिस्कस कर लिए हैं, आई गेस अभी सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी आई है या विनू भाई के केस में कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप पैनिक मत करना, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है यार, छोटी सी जिंदगी है, खुश रहिए, ठीक है। चीजें टाइम लेती है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि चीजें टाइम लेती है, एक दो बार जब आप इन चीजों को पढ़ लोगे तो ये सारी की सारी चीजें आपके माइंड में इनकलकेट हो जाएंगी, ओके? तो प्लीज परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना सीखिए, लर्न पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन। चलिए आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट और कॉग्निजेंस ऑन इन्फॉर्मेशन देर विल नॉट बी अ पुलिस रिपोर्ट फाइल एंड देयरफॉर देर विल नॉट बी एन ओकेशन फॉर ऑर्डर फॉर द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 आफ्टर कॉग्निजेंस। तो क्या कहा जी, अगर मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेता है या इन्फॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस लेता है तो ऐसे केसेस में पुलिस रिपोर्ट फाइल ही नहीं की जाएगी, और जब पुलिस रिपोर्ट ही फाइल नहीं की जाएगी तो 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर का कोई सीन नहीं बनता, ठीक है, बात समझ में आई? भाई मान के चलिए मजिस्ट्रेट ने 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में यानी कंप्लेंट पर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी, कंप्लेंट पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि भैया पुलिस रिपोर्ट ही फाइल नहीं की गई, ठीक है। इसी तरह 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में यानी जब मजिस्ट्रेट इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस ले लेता है तो क्या वो 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है? तो आंसर इज नो। क्यों? सेम रीजन, बिकॉज नो पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा चलिए, आप लोग क्वेश्चन का आंसर करिए। अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में कोई डिफेक्ट कर देता है, या मान के चलिए अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में कोई फॉल्ट कर देता है तो क्या एक्यूज फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड पे या डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड पे कोर्ट से एक्यूटल क्लेम कर सकता है? क्या एक्यूज क्लेम कर सकता है कि जनाब पुलिस ऑफिसर ने तो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन करी है, पुलिस ऑफिसर ने तो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करी है, इसलिए आप मेरा एक्यूटल कर दीजिए? क्या एक्यूज कोर्ट के आगे प्लीज रेस कर सकता है? बताइए, क्या लगता है जैसा आपको? बताइए। तो देखो, आंसर इज नो। डिफेक्टिव या फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड पे एक्यूज कोर्ट से एक्विटल क्लेम नहीं कर सकता। रीजन इज बिकॉज ऐसे तो फिर कोर्ट की जुडिशियल पावर ही खत्म हो जाएगी। एक्यूज पुलिस ऑफिसर को पैसे खिला के पुलिस ऑफिसर को फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए बोल देगा, और पुलिस ऑफिसर फॉल्टी या डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करके एक्यूज को एक्विट करा दिया करेगा। जज साहब तो बेचारे बैठे रह जाएंगे फिर। भाषण में आ रही है? कनेक्ट कर पा रहे हो ना?
तो इसीलिए कोर्ट इन वेरियस केसेस हेल्ड दैट डिफेक्ट इन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर डिस्चार्ज और एक्यूटल ऑफ एक्यूज वेयर देयर हैज बीन नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और ओमिशन और इरेगुलरिटी एक्सेट्रा विच रिजल्टेड इन डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन इट डज नॉट लीड टू टोटल रिजेक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन केस. ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पार्ट पे किसी भी तरह की कोई नेग्लिजेंसी हो जाती है या ओमिशन हो जाती है या इन्वेस्टिगेशन में कोई इरेगुलरिटी वो कमिट कर देते हैं जिसके कारण जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोसिक्यूशन केस है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा. नो, ऐसा नहीं है. डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑटोमेटिकली विल नॉट बी अ ग्राउंड टू एक्विट द एक्यूज. फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट अलोन बी अ ग्राउंड टू एक्विट द एक्यूज. केवल फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के बेस पर एक्यूज को एक्विट नहीं किया जा सकता. मेयर डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट विशेष द ट्रायल. इन केस ऑफ डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन इट वुड नॉट बी राइट इन एक्यूटिंग एन एक्यूज पर्सन सोनली ऑन अकाउंट ऑफ द डिफेक्ट एंड टू डू सो वुड टेंटामाउंट टू प्लेइंग इन टू द हैंड्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इफ द इन्वेस्टिगेशन इज डिजाइनली डिफेक्टिव. तो क्या बताया कि केवल और केवल डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के अकाउंट पर एक्यूज को एक्विट करना सही नहीं है, और ऐसा करना मेनली बिकॉज इन्वेस्टिगेशन है वो डिफेक्टिव है, और एक्यूज को इस ग्राउंड पर छोड़ना वुड इक्वल टू प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. ओके, सो दीज वर हेल्ड इन. ये सभी जो जजमेंट है ये किन केसेस में हेल्ड की गई थी? स्टेट ऑफ तमिलनाडु बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेज एन सुरेश रंजन एंड अदर्स 2014 सुप्रीम कोर्ट. शिवशंकर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड 2011 सुप्रीम कोर्ट. परमजीत सिंह अलियास मिट्टू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब थ्रू सेक्रेटरी 2008 सुप्रीम कोर्ट. कर्नल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी 1995 सुप्रीम कोर्ट. तो ये सभी बातें इन जजमेंट्स में डिस्कस की गई थी. ओके, तो याद रखना फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड पे जो एक्यूज है वो कोर्ट से एक्विटल क्लेम नहीं कर सकता. आगे देख लेते हैं इसी में. एन एरर इलीगैलिटी और डिफेक्ट इन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट हैव एनी इंपैक्ट अनलेस मिसगैरेज ऑफ जस्टिस इज ब्रॉट अबाउट और सीरियस पिजडाइज इज कॉज्ड टू द एक्यूज्ड. इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह का एरर फॉल्ट इलीगैलिटी डिफेक्ट इरेगुलरिटी एक्सेट्रा इसका केस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अनलेस मिसगैरेज ऑफ जस्टिस इज ब्रॉट आउट और सीरियस पिजडाइज इज कॉज्ड टू द एक्यूज. दिस वॉज हेल्ड इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज प्रकाश पी हिंदुजा एंड अनदर 2003 सुप्रीम कोर्ट. ओके, अच्छा एक क्वेश्चन का और आंसर करिए. क्या हाईकोर्ट सेक्शन 482 की पावर को यूज करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बदल सकता है? सपोज करो एक केस में लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है, रामदास जी उस केस में आईओ है और वो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो क्या हाई कोर्ट सेक्शन 482 की पावर को यूज करके आईओ को बदल सकती है? क्या हाई कोर्ट बोल सकती है कि इस केस में आईओ रामदास नहीं बल्कि आईओ श्यामदास इन्वेस्टिगेशन करेंगे? बताइए. तो आंसर इज नो. दिस वॉज हेल्ड इन डिवाइन रिट्रीट सेंटर वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 2008 सुप्रीम कोर्ट एंड वॉज सेम रिपीटेड इन हरिजंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 2012 सुप्रीम कोर्ट. इट वॉज हेल्ड दैट द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स इनहेरेंट जुरिडिक्शन कैन नॉट चेंज द आईओ इन मिड स्ट्रीम टू इन्वेस्टिगेट इन टू अ क्राइम. जो हाई कोर्ट है वो अपनी इनहेरेंट जुरिडिक्शन में इन्वेस्टिगेशन क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आईओ को नहीं बदल सकता. हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आईओ जिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो उसके रिलेटिव का केस है, तो ऐसे केसेस में ड्यू टू द अप्रिहेंशन ऑफ बायस इन्वेस्टिगेशन अनफेयर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट कैन पॉन्डर ओवर इट. ऑलराइट, तो याद रखना इस चीज को आप. अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या एक्यूज
ये क्या इन्फॉर्मेंट? जज साहब से फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए क्लेम कर सकता है? भाई मान के चलिए जिस पर्सन को पुलिस ऑफिसर ने एक्यूज बना के कोर्ट के आगे रिप्रेजेंट किया है, उस पर्सन ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ठीक है, ये बात वो अच्छे से जानता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उसे फॉल्सली इंप्लीकेट कर दिया है। या फिर मान लीजिए इन्फॉर्मेंट ने अपनी कंप्लेन में जिस पर्सन का नाम एक्यूज के तौर पर बताया था, पुलिस ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। तब सवाल यह है कि क्या एक्यूज या इन्फॉर्मेंट जज साहब से मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए या फ्रेश इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्ली रेज कर सकते हैं? क्या एक्यूज या इन्फॉर्मेंट एज ए मैटर ऑफ राइट फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्लेम कर सकते हैं? बताइए। तो आंसर इज नो। ओके, दिस वॉज हेल्ड इन श्याम चरण केस। ओके, तो रीड कर लेते हैं इसको एक बार। इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 173 क्लॉज 8 इज ओनली परमिसिव एंड नीदर द इन्फॉर्मेंट नॉर द एक्यूज कैन क्लेम फॉर द इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट एज अ मैटर ऑफ राइट। तो 173 क्लॉज 8 केवल परमिसिव क्लॉज है और क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद ना तो इन्फॉर्मेंट और ना ही एक्यूज फॉर द इन्वेस्टिगेशन को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ राइट मीन्स द राइट्स विच आर इनहेरेंट इन इंडिविजुअल, जैसे कि फंडामेंटल राइट। ओके, सो प्रैक्टिकली ही कैन आस्क फ्रॉम कोर्ट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन बट इट कांट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। इट्स डिस्क्रिशन इज टू बी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। ऑलराइट, हेल्ड इन श्याम चरण दुबे वर्सेस स्टेट 1990। ओके, हालांकि देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, whenever a police officer is failed to conduct a proper investigation, then in such cases aggrieved party can ask for a report from a senior police officer। ठीक है, जो aggrieved party है वो कोर्ट से बोल सकती है कि जनाब instead of earlier police officer direct the further investigation to some senior police officer। ठीक है, तो practice में ऐसा ही होता है। okay, जो aggrieved party होती है वो ज्यादातर केसेस में कोर्ट के आगे यही प्ली रेज करती है कि जनाब पुलिस ऑफिसर हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन इन अ मैलिफाइड मैनर और द पुलिस ऑफिसर हैज नॉट कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन इन अ प्रॉपर मैनर। सो आई रिक्वेस्ट यू इंस्टेड ऑफ अर्लियर पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू सम सीनियर पुलिस ऑफिसर। ओके, व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देन यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर करिए, What is the evidentiary value of supplementary police report? क्या supplementary police report substantial piece of evidence है? बताइए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। यह है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।